क्या आप अपने बालों को लंबा और मुलायम करना चाहते हैं? क्या आप अपने बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने बालों को मजबूत करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बालों की लंबाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं, बालों को मुलायम कैसे कर सकते हैं और बालों को मजबूत कैसे कर सकते हैं। आज मैं टोटल 15 ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि आपके बालों को मजबूत करने, बालों को मोटा और घना करने में काफी मदद करेंगे। चलिए ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए जानते हैं बालों को बढ़ाने के 15 उपाय। नंबर 1, दोस्तों नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर आप बालों पर लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, बालों की लंबाई के साथ बाल मजबूत भी होंगे। नंबर 2, दोस्तों अंडे में 2 चम्मच आप ओलिव ऑयल मिला सकते हैं और सिर में मालिश कर सकते हैं। आप 1-2 घंटे के लिए रखें, उसके बाद इसको धो सकते हैं। उसके बाद हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल काफ़ी घने हो जाएंगे। नंबर 3, दोस्तों आप प्याज को पीस कर उसका 2 चम्मच रस आपको एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको इस तेल से, इस रस से आपको सिर की मालिश करनी है। बालों की जड़ों तक इस रस को जाने देना है। हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, दोस्तों आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोस्तों आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, चाहे तो कच्चा आंवला भी आप रोज खा सकते हैं। आंवले के तेल की मालिश भी आप बालों पर कर सकते हैं, इससे बाल काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, बालों की लंबाई भी बढ़ती है। नंबर 5, दोस्तों आप एलोवेरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बालों को लंबा और मुलायम करने के लिए। एलोवेरा दोस्तों आपके बालों को सिल्की करने में भी काफ़ी मदद करता है। एलोवेरा का जो गुत्ता होता है उसको आप रोज़ाना सर पर लगा सकते हैं, इससे बाल काफ़ी ज़्यादा मुलायम होंगे। नंबर 6, दोस्तों आप बालों में अरंडी के तेल की भी मालिश कर सकते हैं। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं, बाल आपके काफ़ी टूटते हैं, तो आप अरंडी के तेल की मालिश कर सकते हैं। इससे बालों की जो टूटने की रफ्तार होती है वो कम हो जाएगी, बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे। नंबर 7, दोस्तों मेथी के दानों को आप रात भर के लिए भिगो कर रखें। सुबह इसका आप पेस्ट बनाकर बालों पर लगा सकते हैं और सिर को धो सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके बालों की लंबाई धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगी। उसके साथ ही आपके जो बाल हैं वो मुलायम भी होने लगेंगे। नंबर 8, दोस्तों आप नारियल का दूध भी बालों पर लगा सकते हैं। नारियल का जो दूध होता है वो बालों के लिए काफ़ी पोषणदायक होता है। आप हर हफ्ते 2 बार नारियल के दूध को बालों पर लगाकर मालिश कीजिए, इससे बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल घने हो जाएंगे। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आलू में विटामिन A, B और C होता है? दोस्तों अगर आप आलू का रस निकाल कर अपने सिर पर लगाते हैं तो दोस्तों इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं, बाल घने होते हैं। नंबर 10, दोस्तों जैतून का जो तेल होता है, अगर आप हफ्ते में 3 बार इसको लगाकर सोते हैं रात को, तो दोस्तों इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होंगे, बाल मुलायम होंगे, बाल घने हो जाएंगे। ये नुस्खा भी काफ़ी काम का है अगर आप बालों को घना करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं तो। नंबर 11, नारियल और शीशम का जो तेल होता है उसके अंदर आप गुड़हल के फूल को मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं, उसके बाद अपने सिर पर लगा सकते हैं, इससे भी आपके बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 12, दोस्तों मेहंदी भी आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखने, बालों को झड़ने से रोकने, डैंड्रफ फ्री रखने के लिए काफ़ी मददगार है। दोस्तों आप हर सप्ते में 1 बार सिर में मेहंदी ज़रूर लगाएं। ये आपके बालों को एक तो कलरिंग से रखेंगे, यानी कि आपके बाल ब्लैक रहेंगे, उसके अलावा बाल मुलायम रहेंगे। नंबर 13, मेहंदी में दोस्तों आप अंडा या फिर चाय की पत्ती का पानी भी मिला सकते हैं। रात भर दोस्तों आप काली कढ़ाई में रखें, उसके बाद आप सिर पर लगा सकते हैं, इससे भी आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होंगे। नंबर 14, दोस्तों सरसों के तेल को आप गर्म करके इसमें आप थोड़ा सा नारियल का तेल डाल के, तिल का तेल या फिर अरंडी का तेल भी आप मिला सकते हैं, उसके बाद सिर में आप मालिश कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। इन घरेलू नुस्खों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इजीली बालों की लंबाई बढ़ा सकते हो। नंबर 15, दोस्तों नारियल के तेल में आप एलोवेरा जेल मिला सकते हैं और बालों की जड़ों पर लगा सकते हैं। अब इससे होगा क्या, आपके बाल लंबे होंगे,
बालों की उम्र बढ़ेगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बालों का झड़ना रुकेगा, बाल काफ़ी मुलायम हो जाएंगे और बाल काफ़ी मोटे हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 ऐसे नुस्खे जाने हैं जो कि बालों को घना करने, बालों को मुलायम करने और बालों की लंबाई बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। आशा करता हूँ ये नुस्खे अगर आप यूज़ करते हो तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।